गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है और इंटर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म की केमिकल रिएक्शन के बारे में, इससे कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, उसकी स्टडी करते हैं, ये पूछा जाता है काफ़ी बार क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CaCl3। इसे देखिए बॉन्डिंग के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन जुड़े हुए हैं तीन। इसका IUPAC नाम देख लेते हैं, इसका IUPAC नाम होता है ट्राई क्लोरो मैथेन। क्या होता है? ट्राई क्लोरो मैथेन होता है क्योंकि ये एक कार्बन के एल्केन को मैथेन कहते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मेशन करते हैं एसीटोन से। एसीटोन से किस तरीके से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, पूछते हैं किस तरीके से एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाई गई। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए क्लोरीन, तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर लिया, इसकी हमने H2O मतलब हाइड्रोलिसिस कराई, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ से हमें गैस क्या प्राप्त हो गई, क्लोरीन। क्लोरीन गैस हमें चाहिए थी, क्लोरीन गैस प्राप्त हो गई। अब देखिए एसीटोन को बॉन्डिंग के रूप में इस तरीके से लिखते हैं, एसीटोन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं। यहाँ से क्लोरीन के साथ जब हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पर देखिए Cl3 लग गया, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ पर Cl3 लग गया, और H3C, और देखिए यहाँ से क्या रिमूव होगा, HCl। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पर तीन लग जाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन यहाँ पर है, यहाँ पर भी तीन लग जाएंगे, तीन दूनी छह, देखिए पूरी तरीके से बैलेंस है। यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ट्राई क्लोरो एसीटोन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के तीन मोल हैं। और देखिए अप्राप्त ट्राई क्लोरो एसीटोन, की अब रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसलिए हमने ब्लीचिंग पाउडर की हाइड्रोलिसिस कराई थी ताकि हमें यहाँ से CaOH का वोल्टेज प्राप्त हो जाए। तो जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें जो चाहिए था वो प्राप्त हो गया, यानी क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो गया, और इसके दो मोल लिए जाते हैं। रिएक्शन देख लेना पूरी तरीके से बैलेंस है, तीन दूनी छह, यहाँ पर देखिए क्लोरीन भी पूरी तरीके से बैलेंस है, और यहाँ से रिमूव क्या होता है CH3COO का होल ट्वेल्व CA, यहाँ से फॉर्मेशन वो रिमूव हो जाता है कैल्शियम एसीटेट। आगे पढ़ा चुके हैं कि कैल्शियम एसीटेट का जब आसमन कराते हैं तो यहाँ से एसीटोन बन जाता है, और हमें चाहिए था क्लोरोफॉर्म जो बन गया। देखिए यार दोबारा समझ लीजिए, विरंजक चूर था, इसे विरंजक चूर कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर भी कह सकते हैं, और विरंजक चूर से जब हाइड्रोलिसिस कराई तो यहाँ से देखिए क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए एसीटोन हमने जब हमने लिया, एसीटोन को हमने इस तरीके से लिखा बॉन्डिंग के रूप में, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराई तो ट्राई क्लोरो एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया, HCl गैस रिमूव हो गई। प्राप्त ट्राई क्लोरो एसीटोन की जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन कराई तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म बन गया और जो कैल्शियम एसीटेट है वो रिमूव हो गया। ये इसकी लैब मेथड है, इसकी केमिकल रिएक्शन के बारे में इसका सेकंड पार्ट देखिए। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही।